सके. उसके अलावा जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे शो को फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच, शेयर करें, लाइक करें, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि जो सोशल मीडिया पे फॉलो एंड सपोर्ट कर रहे हैं शो को. तो मेरे ख्याल से हम अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम. मैंने ना आपसे एक बात करनी थी. जी जी. हाँ जी, मैंने ना अपनी मम का अप्लाई करना था, तो उसके लिए पूछना था कि स्पाउस वीजे पे बुलाना था. उसके लिए पूछना था कि हम ना वन बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं, कि उनके लिए कोई अलग से कोई रूम दिखा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. स्पाउस वीजा या विजिट वीजा मॉम के लिए? ओ सॉरी, विजिट वीजा. सॉरी, विजिट वीजे में बुलाना था. ओके, ऑलराइट. मैं आपको अर्ज कर देता हूँ. देखें, होता ये है कि एक हमारा एक्ट है इधर, कि वो ये बताता है कि कितने लोग एक घर के अंदर रह सकते हैं. एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि एक बेडरूम में दो लोग, अगर आपके बच्चे हैं और वो बच्चों की एज 10 से कम है तो वह हाफ काउंट होते हैं, और बहुत छोटे हैं तो वो बिल्कुल काउंट नहीं होते. और वो कमरा प्लस अगर कोई डाइनिंग रूम है तो उसको भी एक रूम के तौर पर कंसिडर करते हैं, एक्सेप्ट किचन एक्सेट्रा. तो अगर कोई वन बेडरूम किसी का फ्लैट है तो उसको वो दो कमरों में कंसिडर करते हैं, तो कहते हैं कि हाँ जी, एक कमरे में अगर दो लोग रह सकते हैं तो चार लोग रह सकते हैं. तो बेहतर ये है कि पहले आप किसी स्टेट एजेंट के पास जाके उनसे ये पूछ लें कि जी, जो ओवरक्राउडिंग एक्ट है 1985, उसकी हिसाब से इतने लोग हमारे घर में ऑलरेडी रह रहे हैं, अगर हम अपनी मदर को मैं विजिट पर बुलाती हूँ तो घर में गुंजाइश है या नहीं. तो कोई भी अगर कॉम्पिटेंट स्टेट एजेंट है वो देख के आपसे पूछ के कि घरों कमरों का साइज़ क्या है, कितने बेडरूम आपका घर है, फ्लैट जो भी है, बता देगा कि जो लोग इस वक्त रह रहे हैं आपकी मदर से ओवरक्राउडिंग होगी या नहीं होगी. और अगर वो कहते हैं कि ओवरक्राउडिंग हो, विच आई फाइंड डिफ़िकल्ट, बिकॉज अगर नॉर्मल आप दो वन बेडरूम फ्लैट में भी रह रहे हैं तो चार लोग रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट, तो फिर मे बी आपको उनका कहीं और बंदोबस्त करना पड़ेगा. वो इन द फॉर्म ऑफ आप अपने किसी फ्रेंड को बोल दें या उनका किसी होटल में कराएं, वो एक अलग इशू है. तो मेरे ख्याल से इससे पहले आप इसकी फिक्र करें कि मैं उनके कहाँ अरेंजमेंट कराऊं, किसी भी कॉम्पिटेंट स्टेट एजेंट के पास जाके उनको ये बताएं कि कितने लोग घर में रह रहे हैं, ताकि वो ये कैलकुलेशन कर सकें कि आपका घर विद द एडिशन ऑफ योर मदर जो विजिट पे आ रही हैं ओवरक्राउड तो नहीं होगा, क्योंकि जारी बात है एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करने के लिए है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. और अगर आपको स्टेट एजेंट के पास नहीं जाना तो आप खुद गूगल पे उस एक्ट को निकाल लें, उसमें लिखा हुआ है कि किस साइज़ के बेडरूम पे कितने लोग रह सकते हैं. बट जिस तरह मैंने आपको बोला, एक सिंपल फॉर्मूला है, एक बेडरूम में दो लोग और वो डाइनिंग रूम लाउंज को भी बेडरूम काउंट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट, तो आप वो खुद भी चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे तीन बच्चे हैं यहाँ पे ब्रिटिश, और उन्होंने मुझे टॉय की बेस पे रिफ्यूज कर दिया था. तो मेरी कोर्ट में हियरिंग है नेक्स्ट मंडे, तो आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाऊं कि मेरा कुछ हो जाए, इनका कोर्स मेरा केस वगैरह के बारे में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स. ओके, आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है? जी है. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलूँगा वो ये बोलूँगा कि आप अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से बात करें और उनसे पूछें कि कौन से एडवोकेट कोर्ट में जा रहे हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे बैठ के अपना पूरा केस डिस्कस करें, एंड यू मेक श्योर कि आप प्रिपेयर्ड हैं अपनी हेयरिंग के लिए. ज़्यादातर लोग जब मैं देखता हूँ जिनके फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज़ल आते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो इनएडिक्वेट तरीके से प्रिपेयर्ड होते हैं अपनी हेयरिंग के लिए. उसकी एक वजह ये होती है कि जिस बंदे ने उनको रिप्रेजेंट करना है कोर्ट के अंदर, वो उसे सुबह मिलते हैं, तो कम्युनिकेशन का वहाँ एक डिफरेंस आ जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये मैं सारों को बोलूँगा कि अगर आप फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं तो अपने लॉयर्स, जो भी आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे बोलें जी आप खुद कोर्ट में जा रहे हैं या आप किसी को आगे बुक कर रहे हैं. अगर आप किसी को बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे कंसल्टेशन या एक अपॉइंटमेंट करवा दें, बिकॉज मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं या करना चाहती हूं. बिकॉज एक बात याद रखें, आपकी ज़िंदगी का मामला है. अगर वो मिलने के भी थोड़े से पैसे लेते हैं तो गो फॉर इट. उसकी वजह ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आपके केस की समझ आए. हैविंग सेड दैट, अब मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं, प्लीज़ गौर से सुन लें. हम लोग, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं जब टोइक पे जाते हैं तो हम जज को कहते हैं कि जी ये दो अलग केसेस हैं. पहला केस टोइक का है, सेकंड केस है जिसको हम कहते हैं इमिग्रेशन एक्ट 2000
14 सेक्शन 117B। क्यों मैं जज को पहले, हम लोग बोलते हैं कि अलग अलग केस हैं, कि जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम कहते हैं कि जी सेक्शन 117B का केस है, उसमें टोएक का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर हम टोएक वाले केस में खुदा ना खास्ता हार भी जाते हैं क्लाइंट के लिए, अंडर सेक्शन 117B क्लाइंट को फिर भी वीज़ा मिल जाता है, बिकॉज उसके बच्चे ब्रिटिश हैं। और बड़ा फेमस रीसेंट केस लॉ आया है कोर्ट के अंदर के ओ नाइजीरिया, जिसमें जज ने कहा है कि जी अनलेस एक बंदा फॉरेन क्रिमिनल हो, बैड कॉन्डक्ट और ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती अंडर सेक्शन 117B। सो कहने का मतलब है कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे और आपके बच्चे ब्रिटिश हैं, अगर आप पहले पार्ट के अंदर टोएक वाला केस हार भी जाती हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग केस है अंडर सेक्शन 117B, अगर आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के साथ, विच आई डाउट नहीं होगी बिकॉज यू आर द बायोलॉजिकल मदर। सो कहने का मतलब ये, इसलिए पहले मैंने आपको बोला ताकि आप थोड़ा सुकून में आ जाएं। बट इसके बावजूद लोग कहते हैं कि जी हमें टोएक का भी अपने आप को क्लियर करना है, बिकॉज सारी बात हमें पता है हम जीत जाएंगे, लेकिन हम क्यों अपने ऊपर धब्बा लेके फिरें कि जी हमने टोएक में फ्रॉड किया, जबकि हमने टोएक में फ्रॉड नहीं किया। तो आप टोएक के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि अंडर सेक्शन 117B आप बड़ा सिक्योर है, आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका केस एज लॉन्ग एज आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है एंड द चाइल्ड इज क्वालिफाइंग चाइल्ड, यानी कि बच्चा ब्रिटिश है, एंड इट इज़ अनरीजनेबल कि बच्चा इस मुल्क से नहीं जा सकता। तो उसकी कुछ शराइत हैं, बट कहने का मतलब कि इट्स अ गुड केस देयर। अब आ जाते हैं टोएक के ऊपर। क्यों मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ कि टोएक का जीतना हारना दूसरी चीज़ पर फ़र्क नहीं करता इन माई बुक्स। ऑफकोर्स कुछ कहेंगे कि जी करता है बिकॉज आपके कॉन्डक्ट के ऊपर ये बात आती है, बट मैं उस लीगल आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा लंबा नहीं जाना चाहता। मैं आपको एक बेसिस दे रहा हूँ, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं टोएक के ऊपर। टोएक के ऊपर तीन स्टेप्स होते हैं, गौर से सुन लें। पहला स्टेप होता है, हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बंडल में ये देखते हैं कि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि आपका टेस्ट क्वेश्चनेबल है या इनवैलिड है, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील का केस है इसके ऊपर, कि अगर वो कहते हैं आपका टेस्ट क्वेश्चनेबल है, बात वहीं ख़त्म हो जाती है, बिकॉज उनका जो एक लीगल बर्डन उनको पेश करना है कि जी आपने फ्रॉड के अंदर हिस्सा लिया है, वो वहीं ब्रेकआउट डाउन हो जाता है, क्योंकि ये कोर्ट का केस है। तो पहले हम ये एस्टैब्लिश करते हैं, उनके बंडल में देखते हैं कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो टेस्ट आपका क्वेश्चनेबल है या इनवैलिड है। मेजॉरिटी केसेज जो इस वक्त कोर्ट में जा रहे हैं, वहाँ होम ऑफिस का यही बयान है कि आपका, हमने चेक किया है ETS से और पता चला है कि आपका टेस्ट इनवैलिड। जब ये हो जाए कि टेस्ट इनवैलिड है, तो अगली स्टेज ये आती है कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं एज एन एप्लीकेंट कि आपने टेस्ट किस तरीके से दिया, आपने कॉलेज किस तरीके से पिक किया, आप उस दिन किस तरीके से गए, टेस्ट किस तरीके का था, किस तरह के सवाल आए, ये सारी चीज़ें आप पेश करते। बिकॉज ऑफकोर्स आप तो, आपका तो केस ही है कि आपने टेस्ट दिया हुआ है। तो वो फिर जज सुनता है, जिसको लीगल टर्म में कहते हैं एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। अगर जज आपकी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन है, तो फिर बर्डन वापस शिफ्ट हो जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे, और बड़ा मुश्किल होता है फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को केस को जीतना, अगर जज आपकी एक्सप्लेनेशन से मुतमईन है कि आपने जेन्युइनली टेस्ट दिया। बाद में उस टेस्ट सेंटर के अंदर क्या हुआ है वो एक अलग मामला है, लेकिन जब तक आप वहाँ बैठे हुए थे आपने टेस्ट खुद दिया है। बाद में क्या इश्यूज अराइज़ हुए हैं जिसकी वजह से आवाज़ किसी और की है, या क्या क्या और इश्यूज अराइज़ हुए हैं उस टेस्ट सेंटर के अंदर, वो आपको नहीं पता अनलेस आपको इन बातों का पता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो बारीकी से आपकी विटनेस स्टेटमेंट के अंदर एड्रेस होनी चाहिए। तो मेरा इसलिए अलग अलग बताया कि टोएक का केस लड़ने का अलग तरीका है, और अगर किसी के ब्रिटिश बच्चे हैं या क्वालिफाइंग चिल्ड्रन है, मीनिंग ब्रिटिश नहीं भी हैं, उनको यहाँ 7 साल हो गए हैं, इट इज़ अनरीजनेबल फॉर दोज चिल्ड्रन टू गो बैक, तो वो सेक्शन 117B का सहारा ले सकते हैं जिसका टोएक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए केस के अंदर दो पहलू के ऊपर फाइट होती है जज के आगे। मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बात की, सो प्लीज़ इसको एडवाइस ना समझे, प्लीज़ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है इस शो का फॉर्मेट। और आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको शुरू में की, आई होप आपके दिमाग में आई हो, दिल को लगी हो, कि प्लीज़ जो भी आपका केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, उनसे बात करें ताकि उनको पता हो कि आपके क्या व्यूज़ हैं और किस तरीके से वो आपको बताएं कि कोर्ट में आपने अपने आप को पेश करना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सर। तार साहब थैंक यू वेरी मच जी टेकिंग माय कॉल। एक्चुअली दो तीन सवाल हैं, बल्कि दो ही होंगे। 2008 में मैं आया था एज अ फैमिली के साथ, साइलम किया था, उसके बाद रिपोर्टिंग पे जाता रहा। फिर 2012 में जो ना 6 साल के रूट पे फैमिली लाइफ की वजह से डिस्कशन लीव मिला जी सर,
अब वो पूरी हो गई, आईएलआर हो गया अब ये टू तो ये जनवरी में हुआ है दिस ईयर. तो मैंने सवाल ये है कि अब क्या मैं नेशनैलिटी के लिए मुझे 12 महीने इंतजार करना पड़ेगा? पहला सवाल तो ये है. मैंने लाइफ इन द यूके कर लिया है, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया जो मेरे साथ था उसने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, तो जब ऑनलाइन नेशनलिटी के लिए उसने अप्लाई किया तो वहाँ पर कोई इंग्लिश लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन नहीं आया. तो क्या मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का भी कोई टेस्ट करना पड़ेगा कि यहाँ वैसे तो उनकी जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि करना पड़ेगा, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये कि ऑनलाइन पे लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन नहीं आता, जैसे कि लाइफ इन द यूके के मतलब तो सवाल आता है लेकिन लैंग्वेज के मतलब सवाल नहीं आता ऑनलाइन में जब आप फॉर्म फिल करते हैं. तो मेरे ये दो सवाल है, क्या कोई ऐसा चांस है कि अभी मुझे 6 महीने हुए आईएलआर हुए को क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ नेशनलिटी के लिए, क्योंकि मैं पिछले 11 साल से इस मुल्क में हूँ और मुसलसल रिपोर्टिंग पे हूँ और उसके बाद मैं लीगली तौर पे मुझे 6 साल हो गए उसके बाद आईएलआर मिला. थैंक यू वेरी मच. मैं फोन पे टीवी पे आपका जवाब सुनूंगा. थैंक यू सो मच सर. देखें पहले तो इंग्लिश टेस्ट की बात करते हैं. नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल यानी मैं बाद में बात करूँगा, पहले वो क्लियर कर लूँ कि नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के लिए आपको बिल्कुल इंग्लिश टेस्ट भी देना है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट असेसमेंट एंड लाइफ इन द यूके भी देना है. क्योंकि आप डिस्क्रेशनरी लीव के रूट से आए हैं और डिस्क्रेशनरी लीव के रूट में आपको माफ़ी थी सेटलमेंट के वक्त इंग्लिश टेस्ट एंड लाइफ इन द यूके करने की, तो इसलिए शायद आपने नहीं किया. लेकिन डेफिनेटली जब नेशनलाइजेशन की बारी आएगी आपको लाइफ इन द यूके एंड इंग्लिश असेसमेंट करनी पड़ेगी. अब आ जाते हैं कि कब आप एलिजिबल होंगे नेशनैलिटी की एप्लीकेशन के लिए. जब आपको इनडेफिनेट लग जाए तो उसके बाद आपने 12 महीने तो पहले वेट करना है. वेट उनके लिए नहीं है जिनकी शादी ब्रिटिश सिटीजन्स के साथ हुई हुई है. तो अगर आपकी शादी ब्रिटिश सिटीजन के साथ नहीं हुई हुई तो आपने क्वालिफाइंग पीरियड 1 साल और वेट करना है इनडेफिनेट के बाद. जब 1 साल और वेट कर लिया आपने, और एग्जाम्पल देते हैं हम जनवरी 2020 में बैठे हुए हैं, अब 20 में आप कहेंगे कि अच्छा जी अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ नेचुरलाइजेशन के लिए, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जिस दिन आप अप्लाई करने लगे हैं उससे 10 साल पीछे चले जाएं. सो अगर आप जनवरी 2020 में अप्लाई करने लगे हैं तो जनवरी 2010 से लेके जनवरी 2020 का रेलिवेंट पीरियड है आपका, जिसमें वो ये देखना चाहते हैं कि आपने कोई इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की. अगर इस पीरियड में आप कोई केस उनसे लड़े थे, जिस तरह अक्सर लोग होते हैं वो असाइलम क्लेम करते हैं, केस चलता है रिपोर्टिंग पर चले जाते हैं, फिर किसी और वजह से उनको बाद में वीज़ा मिलता है 7 ईयर बच्चों की बेस पे, या बच्चे ब्रिटिश हो जाते हैं या कोई फैमिली लाइफ बन जाती है, तो नॉर्मली फिर वो जो पहला वीज़ा उनका लगता है ना वहाँ से लीगल पीरियड काउंट होना शुरू होता है फॉर द पर्पस ऑफ नेचुरलाइजेशन. तो मुझे ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रीवियस पीरियड की, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे थे लग रहा है कि आपके पास वो लीगल पीरियड नहीं. लोग कहते हैं जी हम तो रिपोर्टिंग पे जा रहे थे, नहीं होम ऑफिस उसको फिर कंसिडर नहीं करता. सो ऑन टॉप ऑफ माई हेड, क्योंकि मैं भी आपकी पुरानी हिस्ट्री नहीं जानता, तो मैं ये बोलूँगा कि जिस दिन आपका पहला वीज़ा लगा 3 साल वाला, जो कि मेरे ख्याल से आपने बोला है जी मुझे 2012 में लगा है, तो अगर उस हिसाब से देखें जिस दिन पहला वीज़ा स्टैम्प हुआ है तो 2022 में जाके आप नेशनैलिटी अप्लाई करें. अनलेस पहले कोई और हिस्ट्री है, आई एम वेरी सॉरी, जो मुझे नहीं पता क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है. लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, अपीलें रिफ्यूज़ हो गई हैं असाइलम की, तो फिर वो पीरियड काउंट नहीं होता बीच में. थैंक यू सो मच आपकी कॉल के, आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. जी तारिक भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने तकरीबन 8 माह पहले 7 ईयर के बेस पर अप्लाई किया था, तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया. 1 महीना पहले मैंने एमपी से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने जो है ना होम ऑफिस से कांटेक्ट किया, तो होम ऑफिस ने कोई प्रॉपर कोई जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि हाँ जी इस एप्लीकेशन में जो है ना वो टाइम लगता है नॉर्मली. तो इसी दौरान 2 हफ्ते पहले मेरी एक और बच्ची पैदा हुई है, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन मुझे पता चला कि मैं मतलब इसी एप्लीकेशन में नहीं डाल सकता, मुझे सेपरेट एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इसके बाद. तो क्या उसके बाद फिर दोबारा इसी तरह लंबा प्रोसेस होगा कि क्या मुझे क्या करना चाहिए? ऑलराइट. और अभी आपने FLR FP डाली थी? जी बिल्कुल. ओके. मुझे अभी कान में बताया गया कि अभी हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, माइंड ना कीजिएगा. अभी आपकी कॉल के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद सबसे पहले मैं आपका जवाब दूंगा, देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स. ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं लोगों से कि एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन शो का ईमेल आ रहा होगा. उसके अलावा जो मैं हमेशा लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थैंक यू सो मच आप सोशल मीडिया पर शो को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग द शो ऑन सोशल मीडिया. ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद मैं थोड़ी सी और कॉल्स लूंगा और सबसे पहले इनका जवाब दूंगा. I'll inshallah ta'ala see you after the break.
बैक टू द शो. ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कॉल की का हमने 7 ईयर पे एप्लीकेशन डाली है, लेकिन वाइल हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस पे हमारा एक और बच्चा हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें किसी ने कहा बाद में एप्लीकेशन डाल दें. देखिए, पहली बात है कि आपने एज ए फैमिली यूनिट एप्लीकेशन डाली है, तो प्रिज्यूम मैं करता हूँ कि आपके फैमिली में ऑलरेडी क्वालिफाइंग चिल्ड्रन हैं. क्योंकि अभी आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं आया, तो आप एक और FLRFP एप्लीकेशन अपने छोटे बच्चे की भर के, क्योंकि आपको पता है पर एप्लीकेंट 2100 फीस तो उन्होंने लेनी है, आप जमा करा के जो नई आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका रेफरेंस देके उनको कह सकते हैं कि ये उसके साथ जोड़ दें, बिकॉज इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सेम फैमिली. या आप अपने वीज़े का वेट कर लें, आई होप डिसीजन का, एंड आपको वीज़ा मिल जाए, और उसके बाद आप अपने बच्चे की अलग से एप्लीकेशन डाल दें. जहाँ तक देखें टाइम की बात है, बिल्कुल होम ऑफिस टाइम आजकल ले रहा है इस तरह की एप्लीकेशंस में, तभी कुछ लोग सेम डे सर्विस पे जा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में जस्ट टू कॉस्टली. £850 देना पर पर्सन इज़ टू मच मनी सेम डे सर्विस के अंदर, अगर स्पेशली फैमिली है 4-5 लोगों की. तो थोड़ा सब्र से काम लें, जो मैं हमेशा अपने लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने MP को ही जा के बार बार पुश करें. एंड यस, आजकल होम ऑफिस एक्सटेंडेड जॉब MPs को दे रहा है कि जी कम्प्लेक्स केस है, टाइम लगेगा, आई थिंक दैट्स जस्ट टू पुट द MP ऑन द बैक फुट. तो घबराए नहीं, सब्र से काम लें, इंशाल्लाह ताला आई होप आपका वीज़ा लग जाए. थैंक यू सो मच सर आपके कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. बात करनी थी कि मेरा केस 3 मंथ हो गए होल्ड हुआ हुआ है होम ऑफिस के पास ट्वाइस की वजह से. तो अभी मुझे और प्रॉब्लम, उन्होंने वनडे सर्विस की फीस तो रिफंड कर दी थी मेरे और मेरे हस्बैंड की. मेरी बच्ची के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. अभी एक और नई प्रॉब्लम आ गई कि अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ और NHS मुझे तंग कर रहा है कि आपको पे करना पड़ेगा ना. तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले मैं डिसीजन निकाल लूँ, अगर वो मुझे डिसीजन दे दे. तो मैं पूछना चाहती हूँ ये कि कोई रेमेडी है कि मैं होम ऑफिस के साथ कॉन्टेक्ट करूँ कि वो मुझे मेरी फाइल का कोई डिसीजन क्विकली दे सके. देखें, इशू यही है आपके साथ भी जो पहले भी कॉलर के साथ थी, कि बेहतर ये है कि अगर आप अपने MP के पास जाएँ और जाके MP को एक्सप्लेन करें कि देखें जी NHS वाले मुझसे चार्ज कर रहे हैं, और मेरी सिचुएशन ये है कि अगर होम ऑफिस डिसीजन दे दे तो मेरा बड़ी जल्दी फैसला हो जाएगा. तो अगर MP होम ऑफिस को पुश करे तो वो शायद डिसीजन आपको जल्दी दे दे, बिकॉज आजकल हॉस्पिटल के अंदर भी ये हो गया कि उन्होंने जो ओवरसीज़ विजिटर एक्ट है वो पूरा धड़ाधड़ अप्लाई करना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं करते थे. यानी कि अगर आप बोलें जी मेरी अपीलें चल रही हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें पहले ये प्रूफ करके दें कि Section 3C आप पे अप्लाई होती है या नहीं, बिकॉज अगर आप पे Section 3C अप्लाई नहीं होती तो जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें आपसे आपको चार्ज करना है फॉर दी ट्रीटमेंट. तो सारी बात, अगर आप बाद में केस जीत जाते हैं तो यू कैन आर्ग्यू विद द हॉस्पिटल के जी क्योंकि मैं केस जीती हूँ तो मेरी नज़र में मेरा वो लीगल पीरियड काउंट होना चाहिए और मुझे फ्री मिलनी चाहिए सर्विस, बिकॉज मैंने IHR सरचार्ज भी दिया था. तो इट्स अ टेक्निकल चीज़ है जो अस्पताल वाले बड़ा तंग कर रहे हैं. तो आई नो लोग बड़े परेशान होते हैं. इतना मैं आपको बताता हूँ कि ट्रीटमेंट नहीं रोकेंगे, बिकॉज सारी बात है यू आर अ वल्नरेबल पर्सन बीइंग प्रेग्नेंट. तो ट्रीटमेंट तो आपकी होगी, सिर्फ ये कि शायद वो बिलिंग करें तो वो यू कैन आर्ग्यू विद देम कि हम इसे इंस्टॉलमेंट कर लें, या जिस तरह मैं मेंटेन कर रही हूँ कि मुझे वीज़ा मिलना चाहिए था. लेकिन अगर कल मुझे वीज़ा मिलता है तो आपकी पोजीशन क्या होगी, कि आप मुझे विड्रॉ कर लेंगे अपना बिलिंग या नहीं? तो ये थोड़ी सी और डायलॉग है जो आपको अस्पताल से करनी पड़ेगी थ्रू योर लीगल रेप्स, या आप खुद कर लें. लेकिन यस, अब हॉस्पिटल्स खास तौर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिकॉज उनको आई थिंक ऊपर से गवर्नमेंट ने बोला है कि जो जो उनका यहाँ स्टेटस नहीं आप उनसे चार्ज करें. तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इशू है जो काफ़ी लोगों को हो रहा है. मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सब्र से तहमल से काम लें और MP के पास जाएं, उसको सारी बात एक्सप्लेन करें, तो मे बी MP थोड़ा सा प्रेशर दे दें होम ऑफिस के ऊपर. थैंक यू सो मच मैम. और जिस तरह अगर आप शो के शुरू में देखें सिमिलर पोजीशन थी कि TOEIC की वजह से उनका रिफ्यूज़ हुआ, चिल्ड्रन और ब्रिटिश, तो अपील में उनके क्या चांसेस है मैंने ऑलरेडी उनको बताया था. तो सेम अप्लाइज ऑन यू, बट आई होप अपील तक बात ना जाए एंड दे गिव यू द वीज़ा इन द फर्स्ट इंस्टेंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट मैम. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम भाई जान. वालेकुम अस्सलाम भाई जान. मैं सुरेश बोल रहा हूँ. मैं स्टूडेंट वीजे पे आया था दिसंबर 2010 में जी. तो उसके बाद मेरे पास वीजा था, तो मैंने मार्च 2014 में शादी कर दी जी. वो मेरी पार्टनर पोलैंड से थी जी. तो उसके बाद 3 साल बाद उसने मेरे को छोड़ दिया. तो 2017 दिसंबर में मेरा डिवोर्स हो गया. तो उसके बाद मैंने फिर दोबारा वीजा डाला, तो मेरे 5 मई 2018 को फिर वीजा दोबारा मिल गया 5 साल का. ठीक. अभी मेरे उस जो डिवोर्स शादी हुई उसको मेरे 5 साल हो गए हैं, 5 से ज्यादा ही हो गए हैं.
तो मैं अभी पूछना, जैसे मैं अभी इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? ओके, थैंक यू सर जी. अब सुन ले कि इंडेफिनिट के वक्त वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, और मुझे नहीं पता कि वो एविडेंस आपके पास है या नहीं. अगर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जी मेरे 5 साल इस मुल्क में अंडर TT राइट्स हो गए हैं, तो जारी बात है जब आप 5 साल की बात करते हैं तो वो ब्रेकअप होगा 2 पीरियड में. एक वो वाला पीरियड में जिसमें आप डिपेंडेंट थे अपनी वाइफ के, मीनिंग EA स्पॉन्सर के, और वो वाला पीरियड जिसमें आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस मिल गया. जो पीरियड जिसमें आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस मिल गया वो तो बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज कानून ये कहता है कि एक दफ़ा आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस मिल जाए तो यू योरसेल्फ बिकम द EA नेशनल की तरह ट्रीट करते हैं आपको. तो अगर आप काम कर रहे हैं उस सारे पीरियड के अंदर, एक्सेलेंट. सो फॉर आर्ग्यूमेंट से, क्योंकि दिसंबर 2017 में आपकी डिवोर्स हुई थी, शायद आपने डिवोर्स प्रोसीडिंग जून 2017 में शुरू की हो, बिकॉज सारी बात है रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस शुरू होते जब आपने डिवोर्स प्रोसीडिंग इनिशिएट की हो. तो आर्ग्यूमेंट, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट डेट ही नहीं है, तो शायद जून 2017 से लेके जब तक आप अभी अपना 5 साल के बाद अप्लाई करने लगे हैं, इसमें आप अपना काम सारा शो कर सकते हैं, एक्सेलेंट. इशू ये आता है जब आप 5 साल के ऊपर जाएंगे कि होम ऑफिस मुड़ के कहते हैं कि जो प्रीवियस पीरियड है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ थे, जो कि आपने कहा कि जी मेरी शादी हुई है, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट डेट के, पता नहीं 13 या कुछ इस तरह आपने बोला था, 14, माई अपोलॉजीज. उधर से लेके जब आपके रिटेंशन राइट शुरू हुए, उस वक्त आपकी वाइफ काम कर रही थी या नहीं, अगर उसका एविडेंस आपके पास है तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आपका इंडेफिनिट लग जाएगा. लेकिन अगर आपका उस पीरियड के अंदर एविडेंस नहीं है उस पीरियड का कि आपकी वाइफ काम कर रही थी, लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी वो चली गई, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक अलग लीगल आर्ग्यूमेंट है. लेकिन अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं और होम ऑफिस ना माने, तो फिर वो आपके 5 साल काउंट होते हैं जब आपको रिटेन राइट मिला, तो वहाँ से फिर वो 5 साल काउंट करेंगे आगे तक जाके, और फिर जाके आप इंडेफिनिट लेंगे. तो आया आप पुराना पीरियड एंड रिटेन राइट ऑफ पीरियड ऐड कर सकते हैं. बड़ा डिपेंड करता है कि जो पुराना पीरियड है, वैसे पुराना पीरियड जो मैरिड लाइफ वाला पीरियड है, उसमें कागजात आपके पास हैं अपनी वाइफ के या नहीं. अब क्योंकि हम ये बात करें और रिटेन राइट काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मुझे इसका इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब लोग कोर्ट में जाते हैं रिटेन राइट लेने के लिए, या जब लोग एप्लीकेशन डालते हैं रिटेन राइट लेने के लिए, तो अक्सर लोग, मेजॉरिटी लोग, शादी से लेके जब तक सेपरेशन हुई है वो सारा पीरियड कवर करते हैं और कागजात देते हैं होम ऑफिस को. तो अगर आपकी भी उस तरह की एप्लीकेशन थी, तो फिर हम उन्हीं कागजात की बेसिस पे आर्ग्यू कर सकते हैं 5 ईयर के ऊपर. कभी कभी कुछ लोग बड़े कम होते हैं उस टाइप के कि वो पूरे पीरियड के कागजात नहीं लगाते, सिर्फ वो वाले कागजात लगाते हैं जब आपकी सेपरेशन हुई, बिकॉज सारी बात है रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए आपको पूरा पीरियड प्रूफ करने की ज़रूरत भी नहीं है. आपको सिर्फ वो वाला पीरियड प्रूफ करना है जिसके अंदर आपके रिटेन राइट अप्लाई होते हैं. बहुत कम लोग इस चीज़ को करते हैं, बट कुछ करते हैं. तो अगर आपका केस उनमें से एक है, तो फिर सारी बात है प्रीवियस आपके पास पेपर वर्क नहीं है. उस पेपर वर्क को हासिल करने के भी तरीके हैं, या उसके और भी हैं जवाज़, लेकिन आई थिंक ये शोज फॉर्मेट का नहीं है. तो रिक्वेस्ट आपसे करूँगा किसी कॉम्पिटेंट बंधन के पास जाके अपना सारा केस डिस्कस करें. वो जब आपके पीरियड्स देख लेगा दोनों, और देखेगा आपके पास एविडेंस क्या क्या है, तो वो आपको जो कॉम्पिटेंट पर्सन है बता सकेगा कि आया आपके चांसेस क्या हैं आपकी इनडेफिनिट लीव परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के लिए. विश यू ऑल द बेस्ट. एक बात, जिन जिन की रिटेन राइट्स हुई हैं, प्लीज़ ना भूलिएगा ऑल ऑफ यू, दिसंबर 2020 से पहले आपको प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करना है. यस, आप पे भी अप्लाई होता है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट. और अगर आप वेट करना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन आएंगे, शायद चीज़ें चेंज हो जाएं, तो इट्स अप टू यू. बट प्लीज़, जिनके पास रिटेन राइट है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी अपील सिस्टम से निकलते हैं, तो मैं उनको जब मुड़ के कहता हूँ कि जी अब आपका वीज़ा तो आ गया, लेकिन डोंट फॉरगेट दिसंबर 2020 से पहले आपने दोबारा अप्लाई करना है प्री सेटल स्टेटस के लिए, तो ये मार तो अभी लगा है क्योंकि आप पुराने सिस्टम से आ रहे हैं और हुकूमत ने पॉलिसी चेंज की. अब हर एक को जो यूरोपियन रेगुलेशन के अंडर इधर उसके पास वीज़ा है, उसको 2020 से पहले, दिसंबर 2020 से पहले अप्लाई करना है प्री सेटल स्टेटस. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. हाँ जी, मेरे ना हस्बैंड ब्रिटिश है और मैं यहाँ स्पाउस वीजे पे हूँ. जी हाँ जी, मेरी ना मम ने अपने ग्रैंडसन को देखने आना था, फर्स्ट टाइम आना है उन्होंने, उन्हें हमने विजिटर वीजे पे बुलाना है, और हम यहाँ 1-बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप यहाँ मतलब रख नहीं सकते किसी को, किसी और को,
तो इसके लिए हमें हमने पूछना था कि हम अलग से कोई रूम यहाँ लेकर वो शो कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कि वो एड्रेस अलग है और हमारा अलग, जहाँ पर हमने मम को बुलाना है वो एड्रेस और है। इसके बारे ही पूछना था कि रूम दिखा सकते हैं अलग से कहीं और लेकर कोई। थैंक यू सो मच। 100% आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आप साथ एक्सप्लेन कर दें कि हम वन बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं और जो हमारी प्राइवेट टेनेंसी एग्रीमेंट है उसमें स्टेट एजेंट की या लैंडलॉर्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि हम किसी विजिटर फैमिली विजिटर को साथ नहीं रख सकते, तो इसलिए हमने उनकी सूटेबल अरेंजमेंट कर ली है रहने की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहाँ तक एडिक्वेट अकोमोडेशन की बात है, दैट इज़ फुली एक्सेप्टेबल। अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, जो कि मैं दुआ करता हूँ ना हो, किसी और वजह से होगा, बट नॉट ऑन दिस मैटर, अगर आपने इसको एडिक्वेटली तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और बताया हुआ है। आई होप सो। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। यस, हेलो जी। जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हेलो तारिक, कैसे ठीक हो? मैं बिल्कुल खैरियत नाल सर, थैंक यू। सर मेरा नाम रोहित है और मेरे दो सवाल थे। मैंने जो मेरा बेबी यहाँ पर ब्रिटिश है, मेरा जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो उसी वक्त मैंने फाइल लगा दी थी FLR FP की, तो स्टिल अभी एक साल हो गया उनको फाइल उधर को उनके पास पड़ी थी होम ऑफिस में, तो उनका लेटर आया था मेरे को गया 31 जनवरी को कि अपना बेबी का पासपोर्ट और उसका सर्टिफिकेट हमें भेजो, तो मैंने वो सारा उनको सेंड कर दिया था, वो उसके साथ उसका जो केस वर्कर था उसका वो जो लेटर भी आता था वो भी ग्रीन कलर का, वो भी मैंने भेजा। उसके बाद अभी तक 4-5 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं उन्होंने कोई रिप्लाई किया कुछ वगैरह। मेरे वकील ने भी रिमाइंडर लेटर भी उनको भेजा था, अभी कुछ पता नहीं लगा। तो हमें फर्दर क्या करना चाहिए? और एक सवाल मेरा ये है, और एक कोई बेनिफिट, जैसे हम बेबी का, बेबी जो ब्रिटिश है तो उसका बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है रोहित, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा था? जी देखा था। अगला इंडिया का किसके साथ मैच है? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये करना चाहिए, इंडिया अफगानिस्तान का मैच देखना चाहिए, ठीक है? ठीक है, इसकी फिक्र ना करें जो आपका केस है, पहली बात। जी ओके रोहित, देखो भाई पहली बात है कि जिस तरह रोहित पहले भी लोगों ने कॉल किया है, भाई आजकल होम ऑफिस टाइम लगा रहा है, तो माशाल्लाह आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है बिकॉज आपका बच्चा ब्रिटिश है, और अच्छी बात यह कि उन्होंने बच्चे के कागजात मांगे, मीनिंग आपकी केस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो घबराए नहीं, बस एमपी के थ्रू रिक्वेस्ट उनको करते रहें कि जितना जल्दी हो सके वो आपके केस का डिसीजन दे दें। जहाँ तक बेनिफिट की बात है, आपको जो वीज़ा मिलेगा वो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड है, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपकी बीवी को कोई प्रॉब्लम है और वो बेनिफिट लेना चाहती है, तो देखने में अभी तक ये आया कि वो बेनिफिट भी देते हैं, और क्योंकि आपका वीज़ा बच्चे की बेस पे है, जब एक्सटेंशन की बारी आती है वो ज़्यादातर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं करते, लेकिन जो लोग बेनिफिट लेते हैं अभी तक देखने में आया कि एक्सटेंशंस तो उनको दे रहे हैं, सेटलमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन जब वो नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि जी क्योंकि आपने बेनिफिट लिया था, ब्रीच किया था पिछले 10 ईयर्स के अंदर, हम आपको नेशनैलिटी नहीं देते। तो अगर अपने आप को बहुत ही सिक्योर करना है तो एक दफ़ा इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाए तो फिर एक एप्लीकेशन होती है जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड वाली होती है कि जी ये हमारे हालात हैं और हम लोगों को ये जो शर्त आपने लगाई है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, इसको निकाल दें मेरे वीज़े से, तो वो आप अलग एप्लीकेशन भी उनको कर सकते हैं, उसकी कोई फ़ी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बात की बातें, फ़िलहाल तो आप कॉन्सन्ट्रेट करें अपने वीज़े के ऊपर, इंशाल्लाह अपने केस के ऊपर, आई होप वो सही हो, और अगर हालात आपके इतने बुरे हो गए हैं कि आपको हर हाल में अप्लाई करना है, तो फिर जारी बात है सर बच्चे की सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, और मैंने इसने आपको बोला कि केस की फिक्र ना कर, इंडिया और अफगानिस्तान का अगला मैच उसकी फिक्र कर। थैंक यू सो मच सर, अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार जी, मैं हेलो जी, जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। जी नमस्कार, मैं संजीव बोल रहा हूँ जी। मेरा क्वेश्चन है जी, मेरा एक फ्रेंड है उसका लड़का, आपने अपने नाम को फेमस संजीव बोला या संजीव बोला? संजीव। अच्छा मैं पता मुझे आवाज आई फेमस संजीव, सो माय अपोलॉजी। संजीव इलिया से, सॉरी यार संजीव जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक फ्रेंड है उसका लड़का आ रहा है यहाँ इंडिया से मास्टर करने के लिए जी, तो मैंने क्वेश्चन ये पूछना है कि मास्टर करने के बाद कोई ऐसी ऑप्शन है जहाँ पे वर्क परमिट वगैरह मिल जाता है, या फिर गवर्नमेंट ऐसा देती है कि आप काम वगैरह ढूंढने के लिए
मास्टर यूनिवर्सिटी से फिनिश करके कुछ टाइम दें कि आप यहाँ पे काम ढूंढ सकते हैं या कुछ सेटलमेंट के कुछ चांसेस हैं यहाँ पे उसके कि नहीं? उसने भी क्वेश्चन पूछा आपसे। नहीं संजीव, उसको बोलो रियलिस्टिकली ये कि चाहे मास्टर कर ले तो वापस जाके इंडिया में कोई जॉब वॉब ढूंढ ले। अगर उसको यहाँ कोई जॉब मिल जाती है मास्टर के बाद, क्योंकि दे आर कंपनीज है जो मास्टर्स के बाद वर्क परमिट, जिसको हम टे टू वीज़ा बोलते हैं, देती है। अगर कोई उसको यहाँ मिल जाता है, दे विल बी वेरी इजी फॉर हिम टू स्विच। लेकिन वो सारा डिपेंड करता है कि उसको कोई स्पॉन्सर मिल जाए। तो मेरे ख्याल से जब स्टूडेंट्स इधर आते हैं तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना ध्यान, अपना लक्ष्य तालीम के ऊपर फ़िलहाल रखो। डोंट स्टार्ट कीजिए हम फिर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, चार पहियों की गाड़ी मिल जाएगी, दो बेडरूम का घर मिल जाएगा, वो बात की बातें होंगे। पहले अपना जो फोकस है वो पढ़ाई पे रखें। सो उसको बोलें नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना मास्टर्स प्रोग्राम। फिर जब वो इधर आएगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, सांस लेगा और भी चीज़ें देखेगा, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए कोई बेहतरी होगी। बट डोंट कम विद दैट माइंड सेट कि जी मैंने बस वहाँ से फिर जाना नहीं है, बिकॉज वो फिर आपका माइंड फ्रेम को ख़राब करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो नई जनरेशन आ रही है उनको फोकस में ले के रखें, भटकने ना दें। बट मुझे बार बार बोला जा रहा है कि हमारा ब्रेक का भी टाइम हुआ है। इस वक्त शो की ईमेल आ रही होगी एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अभी हम लोग ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद हमारा फाइनल सेशन होगा। एंड लाइक आई ऑलवेज आस्क यू कि प्लीज़ सोशल मीडिया पे शो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं थैंक यू सो मच। ब्रेक पे चलते हैं, आई विल टेक सम मोर कॉल्स आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। जिस तरह मैं थिंक ब्रेक पे जाने से पहले मैंने उनका जवाब दे दिया था, अब हम लोग अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, तारिक साहब बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर जी। आपसे क्वेश्चन ये था कि मेरी स्पाउस एप्लीकेशन की सेकंड एक्सटेंशन है और ये 5 ईयर का रूट था, तो जनवरी में कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे डिसेबिलिटी होगी, मैं काम नहीं कर सका, तो आई एम नॉट मीटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ माय डिसेबिलिटी। आई हैव जस्ट हर्ड इन योर शो कि आप नो रिसोर्स, अगर आपकी सिचुएशन इस तरह की होती है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि नो रिसोर्स पब्लिक फंड वो चेंज कर दें। अगर वो चेंज करेंगे, आया ये 10 ईयर रूट पे, क्योंकि 10 ईयर रूट भी है, क्योंकि आई गॉट अ ब्रिटिश चाइल्ड। जी जी। सो अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में मीट नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ये 10 ईयर रूट पे चला जाएगा। जी। लेकिन अगर मैं उस रूट पे नहीं जाना चाहता, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 5 ईयर रूट में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन ले सकूं कि नहीं? ओके सर, थैंक यू सो मच सर। देखें, इशू ये होता है कि अगर आप अपेंडिक्स FM को देखें तो उनकी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है 5 ईयर रूट पे, जिसमें से एक फाइनेंशियल है। तो अगर आप उन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई नहीं करेंगे अपेंडिक्स FM में, जो डायरेक्ट रूट है 5 ईयर का। तो जारी बात है वो फिर आपका रूट स्विच करके आपको एक्सेप्शनल में या पेरेंटल रूट में डाल देंगे। तो पेरेंटल रूट में भी आपको पता है 5 ईयर रूट है, 10 ईयर रूट है, और उसका पीरियड दोबारा से शुरू होगा। तो आप चाहे 5 ईयर रूट लें या 10 ईयर रूट लें, आपका लीगली 5 साल पहला हो गया है। सेकेंड 5 साल जब लीगल होगा तो आप वैसे ही लीगली इस कंट्री में 10 ईयर्स आपके हो जाएंगे और आप लॉफुल रेजिडेंस, लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो कहने का मतलब आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, लेकिन पब्लिक फंड से हटाना इज़ अ डिफरेंट मैटर और इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट मीट करना इज़ अ डिफरेंट मैटर। तो आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे। तो जब वक्त आता है आपका 5 ईयर बेस पे अपेंडिक्स FM पे, अगर आप कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, ऑफ कोर्स दे गोइंग टू स्विच यू सर। लेकिन वही बात है कि 5 साल और आपके लगेंगे और फिर आप 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो रियली डजेंट मैटर कि जो आपकी सेकेंड एक्सटेंशन वो करते हैं वो 10 पे करते हैं या 5 पे करते हैं, बिकॉज 10 पे भी करते हैं तो आप 15 साल तो वेट नहीं करेंगे। जब आपके टोटल 10 साल इधर हो जाएंगे, यू कैन अप्लाई अंडर द लॉन्ग रेजिडेंस रूट, जिसका अपेंडिक्स FM से कोई ताल्लुक नहीं है। I wish you all the best, sir, and I hope aap recover kar le. Thank you so much, sir, for your call. Agle caller ki taraf chalte hain. Assalamu alaikum. Hello, sir. Good evening. Mera naam Manjeet hai, aur mera sawal hai ki jo 50,000 investment into visa hai, uski kya requirement hai? Kya aap mujhe bata sakte hain, please, detail mein? Manjeet, aap yahan kaun se visa pe ho abhi? Kaun se visa pe? वीज़े। अच्छा, आपको मेरी आवाज़ है? जी जी, हम फैमिली वीज़े पे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मंजीत। ओके, थैंक यू यार। वो वीज़े अब ख़त्म हो गए हैं, माय अपोलॉजीज़ अगर आपने पिकअप नहीं किया। आपने शो में बहुत पहले भी जिक्र किया है,
वो जो आपके वीज़े हैं वो अब इंटरप्रेन्योरल वाले सारे ख़त्म हो गए और अब एक नया सिस्टम आया है जिस पे मुझे पर्सनली काफ़ी रिजर्वेशन है उस सिस्टम के ऊपर जो मैं वॉइस कर चुका हूँ पुराने शोज़ के अंदर, बट इन शॉर्ट वो अब वीज़े नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से आप ऐसा करें कि किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएँ, आराम से बैठ के अपना केस डिस्कस करें, देन सी अब कौन से वीज़े और अवेलेबल हैं आपके लिए। इट कुड बी के इट माइट कम डाउन टू शायद आप अपने उसी फैमिली वाले वीज़े पे रहें, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट बिकॉज मुझे आपकी हिस्ट्री नहीं पता, मुझे आपका सर्कमस्टांसिस नहीं पता। ये तो वैसे भी शो का फॉर्मेट है इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन जिस वीज़े का आप जिक्र कर रहे हैं मेरे भाई, वो वीज़ा अब रूट बंद हो गया है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, सत श्री अकाल। हेलो हेलो जी, आप आई थिंक आपकी कॉल थोड़ी कट रही है, अपना सवाल पूछ लें। हाँ जी, मैं ना मनीत से बोल रही हूँ। तो मेरी मदर आई थी ब्रिस्टल विजिट पे, वो आके ना इतने बीमार हो गए, उनका लीवर फेल हो गया। ओहो सॉरी। ओके, नापी भी लगती है, ते हुन मैनू पता नहीं लगता मैं उन्होंने किस तरह पिछे भेजा। हुन उन्होंने कुछ हो सकता इत्थे कि जे मैं एप्लीकेशन जां वीजा बच जाए जां उन्होंने कुछ रहन दा इत्थे हो जाए, क्योंकि असि पे करके उन्होंने इलाज करा रहे हैं। ओके, बड़ी मेहरबानी तुहाडी। देखिए जी, जो पहली बात है कि जो विज़िटर इधर आता है और अगर उनको कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए जिसकी वजह से उनकी ट्रीटमेंट हो रही है एंड डॉक्टर बोले कि अभी उनके लिए ट्रैवल करना मुनासिब नहीं है, तो होम ऑफिस वाले उनको एक्सटेंशन देते हैं, वो विज़िट वीज़ा की एक्सटेंशन दे देते हैं 6 महीने की, और अगर बाद में भी वो दोबारा ट्रैवल ना करें तो उसी तरीके से एक्सटेंशन देते हैं। बट बहुत डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या बोलता है, क्योंकि उसकी शर्त यह है कि डॉक्टर बोले कि ये अभी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया कि अगर सीधा सीधा उनकी एक्सटेंशन आपको चाहिए, विज़िट के ऊपर ही एक्सटेंशन होगी। अब आ जाएँ अगर आप कहते हैं कि जी अगर हम उनका कोई और वीज़ा अप्लाई करें, तो देखें जी इशू ये होता है कि एक वीज़ा होता है जिसको हम आर्टिकल 3 बोलते हैं मेडिकल के ऊपर। मेडिकल के ऊपर बड़ा सख्त है अप्लाई करना। उसमें उनकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो ये है कि जी जो अभी इसकी बंदे की ट्रीटमेंट चल रही है, शख्स की एप्लीकेंट की, अगर वो ट्रीटमेंट रुक जाती है तो द डेथ इज़ इमिनेंट, यानी कि जी हर हाल में वो उनकी वफात हो जाएगी। तो वो डॉक्टर बड़ा कतराते हैं यहाँ लिखते हुए, बिकॉज जाहिर बात है दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, स्पेशली अब इंडिया से, इंडिया इतना डिवेलप कर रहा है अपने आप को कि तकरीबन हर मर्ज का वहाँ इलाज है। मैंने बिल्कुल ख़ुद पर्सनली ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि कोई उम्मीद नहीं है इसकी अब ज़िंदा रहने की, और होम ऑफिस ने उनको वीज़ा दिया। उनमें से एक बच्चे का केस था, और मैं अभी भी डर जाता हूँ जब मैं उस वो केस के बारे में सोचता हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं दिल से दुआ करता हूँ कि कभी भी किसी को आर्टिकल 3 पे केस डालने की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज़ मैंने केसेस डाले, मैंने ख़ुद देखा है कि कितनी अज़ियत से लोग गुजरते हैं, बिकॉज पता है उनको कि जी इस बंदे की डेथ हो जाएगी और ये आखिरी सांसें अपनी ले रहे हैं। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ कि कभी भी कोई आर्टिकल 3 के ऊपर एप्लीकेशन ना डाले। तो लेट्स पुट दैट असाइड। ह्यूमन राइट पे भी लोग एप्लीकेशन डालते हैं, लेकिन उसमें जो टेस्ट है वो है कि बहुत ही कंपेलिंग एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस होने चाहिए। अब वो काफ़ी लंबा, उसके ऊपर मैं लेक्चर आपको दे सकता हूँ, तो आई थिंक किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके आप डिस्कस कर लें। लेकिन कंसिडरिंग के इंडिया में कितना ज़्यादा इलाज अवेलेबल है, कंसिडरिंग कि आपके पास फंड्स होंगे कि अगर आप इधर अफोर्ड कर सकते हैं तो इंडिया में भी कर सकते होंगे, कांट जस्ट टर्न अराउंड से हो जी इधर हम अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया में नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी जज को ये कन्विंस करना। सो कहने का मेरा मतलब है, फ्रॉम टॉप ऑफ माय हेड, फिलहाल अगर उनको ट्रैवल की मना किया गया उनको कि वो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उस पर होम ऑफिस एक्सटेंशन दे देंगे। बट इन द लॉन्ग रन मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर है कि प्रॉपर इंडिया भेज के प्रॉपर तरीके से उनकी एंट्री क्लियरेंस सेटलमेंट पर करवाएँ जो एल्डरली डिपेंडेंट रूट है, तो आई थिंक वो बेहतर है। तो उसमें क्या क्या शराइत हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अभी मेरा शो का फॉर्मेट नहीं कि मैं ज़्यादा लंबा उस पर जिक्र कर सकूं, तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके इस पर डिस्कस कर लें। बट मैं अगर आप पुराना भी मेरा शो देखें, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पेरेंट्स एंड आई रियली अप्रिशिएट जो लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, कि उनको याद लाते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, हैट्स ऑफ टू यू ऑनेस्टली, बिकॉज हमारा कल्चर भी इस बात की इजाज़त हमें यही बात सिखाता है, और हमारा तहजीब भी, चाहे हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं,
کرسچن ہیں جو اچھی جن کی تہذیب ہے اچھی اپ برنگنگ ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کا رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ایلڈلی ایج میں لیکن پلیز یہاں اوور اسٹے نہ کرائیں پیرنٹس کو بہت ان بچاروں کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں دل کرتا ہے اپنے واپس ملک جانے کے ان کے وہاں بھی بڑی خواہشیں ہیں اکثروں کے ریلیشن شپس کی وہاں قبریں ہیں ان کے والدین کی ان کے ہسبینڈ اسپاؤسز کی تو وہ ذرا زیادتی نہ کریں پراپر چینل کے تھرو چلیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اگر وہ ویزا نہیں دیتے ہوم آفس والے فائٹ کریں اس ویزے کے لیے اینڈ دیٹس دا پراپر تھنگ آئی کڈ ٹیل یو باقی ہیٹس آف جو لوگ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ کر رہے ہیں اینڈ پلیز کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جا کے پراپر ایڈوائس لیں تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو السلام علیکم طارق بھائی ہاؤ آر یو گڈ سر جی ابھی تو گڈ نہیں ہے سر پاکستان انڈیا کے میچ کے بعد لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کا ماشاء اللہ ہمیشہ جولی ہوتے ہیں آپ کے سارے پروگرام میں نے دیکھے آن لائن نومبر تک کے تھینک یو سر یہ لاسٹ جو اپلوڈ کیا آپ نے وہ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں لاسٹ آئی تھنک اس منتھ میں نے دو شو مس کیے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر لڑکے آر ویری نائس وہ کوئی ریپیٹ پہ لگا دیتے ہیں تو اس وجہ سے سر لیکن ادروائز میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ویک آؤں اور شو کروں سر جی نو نو آئی لائک واچنگ اٹ آئی ہیو ٹو کوسچن اف یو ڈونٹ مائنڈ می جی جی سر آسکنگ دیم 18th آئی ایم برٹش مائی وائف از اس کا سیٹ ہم ابھی اپلائی کر رہا ہے تو 18,600 ہم میٹ کرتے ہیں ود بوتھ سیلف امپلائمنٹ وہ بھی اور میرا بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد یونیورسل کریڈٹ بھی میں لے رہا ہوں صرف اس میں آف کورس اس کا نام ڈالنا پڑتا ہے لیکن وہ یونیورسل کریڈٹ بھی لے رہا ہوں وہ میرے بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں تو اس طرح اس ٹائم کی اپلیکیشن میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ایک کوشچن یہ ہے دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب سر سیلف امپلائمنٹ کے سارے ڈاکومنٹس دیتے ہیں اس میں ایک ڈاکومنٹ ہے کہ لیٹر بھی چاہیے اکاؤنٹنٹ سے تو وہ لیٹر کیا وہ اکاؤنٹنٹ کو رجسٹر میرا اکاؤنٹنٹ جو ہے نا اس سے میں نے پوچھا وہ کہہ رہا میں اے سی سی اے سے رجسٹر لیکن کوئی مجھے بول رہا تھا کہ آئی جی ڈبلیو پتہ نہیں کہیں سے اکاؤنٹنٹ رجسٹر ہونا چاہیے از دیٹ ٹرو یا میرا اکاؤنٹنٹ ٹھیک ہے اوکے دیکھیں سر جہاں تک ریکوائرمنٹ ہے انکم ریکوائرمنٹ تو مین یہ ہوتا ہے کہ آپ 18,600 کی انکم ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہو اگر آپ اس کے بعد بھی تھوڑے سے فنڈ لے رہے ہیں تو ون کوڈ آرگیو کہ یہ میری انٹائٹلمنٹ ہے تو اس لیے میں لے رہا ہوں اور کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے اپلیکیشن نہ روکیں ون کوڈ فائٹ آن دیٹ کیس جہاں تک مینڈیٹری ریکوائرمنٹس کی بات ہے سر وہ بڑا ایک جب آپ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں بڑا اسپیسیفک لسٹ ہے جس کی بیس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے بہت اسپیسیفک لسٹ ہے تو پلیز اس لسٹ کو فالو کریں اور اس لسٹ کے اندر جب اکاؤنٹنٹ کی بات آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو ای سی سی اے ہو آئی ایف اے ہو سیما ہو ان ساروں کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کا ای سی سی اے کوالیفائڈ ہے میننگ اس کی پریکٹسنگ سرٹیفکیٹ ہے اس کے پاس اس کا لسٹ میں نام آتا ہے اٹس اوکے آئی تھنک آپ کے فرینڈ بول رہے ہوں گے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل اکاؤنٹنٹس کے بھی اکاؤنٹنٹس کو وہ مانتے ہیں تو وہ ان کی لسٹ بھی امیگریشن رول کے اندر ہے تو اگر آپ خود بھی کیس ڈال رہے ہیں تو آپ کسی سے بھی رابطہ کر لیں کمپٹنٹ پرسن سے آپ کو وہ لسٹ کی کاپی دے دے گا یا آپ اینڈ ایم شیور جس کے بھی اکاؤنٹنٹ ہیں آج کل ہر اکاؤنٹنٹ کسی نہ کسی طریقے سے امیگریشن میں کلائنٹس کی ہیلپ کر رہا ہے اینڈ دے نو کہ ان جس اوارڈنگ باڈی کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہیں آدھے اس لسٹ میں ہوم آفس کی ہیں یعنی آل بی سرپرائزڈ اگر نہ ہو تو یو شوڈ بی اوکے بٹ پلیز ان سے ری چیک کروا لیں لیکن اگر وہ اے سی سی ہے دیٹس فائن اگر وہ ان کی لسٹ کے اوپر ہے تھینک یو سر فار یور کال ابھی مجھے بتایا جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم ختم ہونے کو آیا مے بی ویل ٹیک ون کوئک کال اینڈ دین آئی ول ریپ اپ دا شو ہیلو 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 جی جی آئی ایم ویری سوری انہوں نے مجھے کان میں بولا طارق بھائی اب ڈیڑھ منٹ رہ گیا ہے تو اگر آپ نے کال لی تو بالکل ہی آپ جواب شاید نہ دے سکیں آئی ایم ویری سوری اگر آپ کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے ان شاء اللہ اگلے ویک آپ سے ملاقات ہو جائے گی بات ہو چیت ہو جائے گی تھینک یو سو مچ آپ نے لاگ ان کیا اینڈ یس میری تھوڑی طبیعت خراب تھی تو لاسٹ ویک آئی تھنک میں نے شو نہیں کیا اور دو ویک پہلے بھی میں نے اس وجہ سے نہیں کیا تو وہ پھر یہ ری رن کر لیتے ہیں بٹ تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ اتنا سپورٹ دیتے ہیں شو کو بیکاز سوشل میڈیا پہ نظر آتا ہے آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو اس کے علاوہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ویک آؤں تھوڑا ہلا گلا کر لیں میں تھوڑا سا شو کر لوں اور دو باتیں میں آپ کو جانے سے پہلے ہمیشہ بولتا ہوں اگر آپ کے پاس این ایچ ایس ہے تو تھوڑا اپنا ٹیسٹ ویسٹ کروا لیں تاکہ آپ کی صحت پہ ٹھیک ہو لیکن اب میں اور کچھ بات بولنا شروع کروں گا ہر شو کے اینڈ میں کیونکہ میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں لوگوں کے اندر کہ لوگ پریشان بہت ہوتے ہیں سر میں آپ کو تجربے سے ایک بات بولتا ہوں کہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ جی اسٹیٹس نہیں ہے تو ہم پریشان ہیں کل اسٹیٹس مل بھی جائے گا میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں آپ کوئی اور پریشانی اٹھا لیں گے
وہ پریشانی ختم ہوگی, آپ کوئی اور پریشانی اٹھا لیں گے, کیونکہ زندگی انسان گزارتا ہے اس طرح. تو میری جو صرف آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ دیکھیں جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے میں یہ بات بولتا ہوں کہ کبھی نہ ایک, چلیں یار پورا ہفتہ نہیں آئے نا, ایک دن نکال کے نہ انجوائے کریں فیملی کے ساتھ, چھوڑ دیں ساری پریشانیاں, کہیں سیر سپاٹے پہ جائیں, انجوائے کریں, انجوائے لائف. یہ مشکلیں ادھر ہی رہیں گی, منڈے واپس آئیں گے وہی ٹینشنیں رہیں گی ویزے کی. سو مے بی ڈو دیٹ وانس. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اللہ حافظ.